One, two, three. Woo! Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely good. So right now we are here at Chandrashila Top, and this place is also known for its sunrise. We started around 4 in the morning, and after 2 hours of rigorous walking, we reached at this place and saw the first view of sunray. Woo! The entire 360 degree view of this Chandrashila. So that range is Nanda Devi, the holy Nanda Devi. You can visualize the first view of the sunray. But one thing, phone pe jaldi charge discharge ho raha hai due to extreme cold. The temperature is around 0 degree. I will not say below 0 degree, but 0 degree ke aas paas hai. And my hands and legs are completely numb. 7 o'clock, and my entire team is sitting there and enjoying the entire picturesque landscape. See, this entire team came from India Heights to conquer Deoria Tala Chandrashila Peak. And they are taking group pictures. What are you doing? Wait, wait. Ready? One, two, three. Woo! ग्रेटर हिमालय में टोटल जितनी भी बर्फ वाली पीक आ रही है, ये ग्रेटर हिमालय हो गया, ये मध्य हिमालय हो गया जिसमें अभी हम, और शिवालिक हिमालय हो गया ऋषिकेश से ऊपर। टोटल जो नीचे नीचे दिख रहे हमारे वो शिवालिक हिमालय हो गया। और इधर हमें अभी 360 का व्यू मिल रहा है, इसमें है गढ़वाल रेंज। ये टोटल जितनी भी रेंज आ रही है इधर तक, ये गढ़वाल रेंज है। एंड इसके बाद जो ये वाली रेंज दिख रही है, ये टोटल कुमाऊनी रेंज। ये है गंगोत्री, पूरी गंगोत्री रेंज फर्स्ट सेकंड पीक है, गंगोत्री यमुनोत्री। जस्ट बगल पे आओ केदार ताल, कीर्ति स्तंभ, और ये केदार पीक दिख रहा है आपको बड़ा। इसके पीछे जो डोम वाला शेप दिख रहा है, यह केदार डोम। इसके आगे वाला है केदार पीक, एंड जस्ट नीचे वाला होगा इसका केदारनाथ टेम्पल। जस्ट इस साइड को आओ, ये बीच में एक गड्ढा जैसे दिख रहा है। हाँ। तो पीछे वाला है सुमेरु पीक, आगे वाला है मेरू पीक, मेरू एंड सुमेरु, ठीक है। जस्ट बगल पे आओ, ये आया मंदानी, ये बड़ा वाला पीक, हल्का कट है। और बीच में जो अर्धचंद्रकार आ रहा है एक, वो है हिमालया। ये बड़ा वाला जो ग्लेशियर दिख रहा है, ये पूरा है माउंट चौखम्बा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक पीछे से चार पिलर। चौखम्बा का मतलब चार पिलर। जस्ट बगल पे लंपक वन, लंपक टू, ठीक है इस साइड को। और जस्ट इस साइड को नंदा देवी एक थम्बाकार में दिख रही है, इस साइड को थम्बाकार में। ये मतलब उत्तराखंड का बड़ी पीक है, तो ये थमाकार की नंदा देवी है। और जस्ट इस साइड को ये द्रोणागिरी, जहाँ से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे। और इस साइड को आएंगे नंदा घुंघटी, अभी दिख रहा है थोड़ा सूरज के जस्ट नीचे ही, क्योंकि उस पीक का आकार घुंघट की लड़की का घुंघट होता है ना, तो उस आकार की आती है। जस्ट बगल पे माउंट त्रिशूली। सो व्हाट्स द फीलिंग राइट नाउ? टॉप ऑफ द मून, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। गॉट योर ड्रीम पीक? Not only mine, but everyone's. चांद भी दिख रहा है। Right now you can see that clouds are getting deposited. View थोड़ा बहुत block हो जाएगा थोड़ी देर बाद। और video करने के चक्कर में ये सब जगह थोड़ा ध्यान से देख के चलना। बहुत ज़्यादा deep गड्ढा है। अपना life का risk मत लो, photo उठाओ, बिंदास enjoy करो, but safety is your first priority. This is something interesting, enjoying coffee at the top of the Chandrashila Peak. Wow.
Wow. Wow. मैं बहुत नीचे आ गया था, अभी थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा हूँ. मस्त ग्रुप फोटो, सिंगल पिक्चर, सब कुछ हो गया. मतलब लाइफ एकदम सॉर्टेड, जिसको बोलते हैं. स्माइल प्लीज. स्वनिरुद्धा, गॉट योर ड्रीम पिक? या. योर हैंड्स आर स्टिल नंब? यस. चलो, ऐसे क्लाउड्स डिपोजिशन हो रहा है, देखो. और इधर का व्यू भी देख ले भाई. भाई नीचे गया तो डन एंड डस्टेड. तो आप देख सकते हो इंडिया हाइस की तरफ से एक और टीम आया, पूरा एक साथ ग्रुप फोटो ले रहे. वन टू थ्री. Why? I thought when I failed. Good to go. Yeah. Anything more you want to do? Fine. Chalo guys. Sorted. Life sorted. Is it sorted for you? Yeah. Hello boss. Hello boss. We did it! Let's go. Okay, thank you. Thanks. Chalo guys, bye. Enjoy. All the best. So after enjoying almost about 1.5 hour at Chandrashila Peak, we are on the way back to Tungnath. Yeah. This view is for lifetime. I can relish it for the entire life. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. वंदे मातरम. गौर से देखिए, यहाँ पे थोड़ा रेनबो आप लोगों को दिखेगा. अच्छा है. डाउन में जाने के लिए और भी टफ है, मुझे थोड़ा सावधानी से जाना पड़ेगा. जूता में ग्रिप है, केचुआ के ऊपर भरोसा भी है, बट फिर भी अपना सेफ्टी फर्स्ट. संभल के. हाँ एकदम, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे से आओ, बहुत टाइम है हाथ में. एंड सच बताओ तो ये पूरा स्लिपरी है. अच्छा. एकदम वेट. सी माय गुडनेस, एट द टाइम ऑफ विंटर ये जो पूरा ट्रेल है ना, ऐसे चल चल के उतरने की जरूरत नहीं होता है. इतना स्नो रहता है कि तुम वहाँ पे बैठ जाओ सीधा और सीधा जाके नीचे चले जाओगे. और वहाँ पे भी टैक्टिक्स होता है, कैसे ब्रेक करना पड़ता है, कैसे डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है. लाइक ड्राइविंग अ बोट, ऐसे दो तीन स्लाइड मारना पड़ता है और तुम दो तीन स्लाइड में एक पूरा तुंगनाथ पहुंच जाओगे. और एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन, की पॉइंट्स टू रिमेंबर? नो, ब्रिंग हेडलाइट, हेड टॉर्च आई मीन, एंड ऑलवेज कम बिफोर 6 AM, आई मीन बिफोर सनराइज. डोंट मिस दैट सनराइज. आज तो सनराइज लाइक 6:15 को एग्जैक्टली हुआ, तो हम 6:20 बेटर टू से, तो हम लोग को पता चल गया था. तो उसके हिसाब से हम लोग 2 घंटे पहले से चढ़ना स्टार्ट किया. तो जब पहुंचे हाथ में थोड़ा बफर टाइम था, थोड़ा बहुत ये कैमरा सेट किया, टाइम लैप्स लेना चालू किया, सब लोग पोजिशन ले लिया, फिर पूरा व्यू का लुफ्त उठाया. एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट्स फेनोमेनल. One side you will get to see the sun and the other side you will get to see the moon. So now we are heading towards Tungnath temple, the highest temple of Lord Shiva in the world. And that too we are going downwards. We are going downwards. If you are coming from Tungnath temple to this Chandrashila, you will exactly need 2 hours in hand to see the sunrise. Just come before 6 and try to gain some sort of information that sunrise kab ho raha hai, uske hisab se apna plan schedule karo. Nahi to ye sunrise miss ho gaya to bahut bada miss ho jayega. This grasslands are at this altitude are really rare. So in this grasslands you can see many different herbs, like, and also different flowers and everything. See inside this rocks you can see those, this one, and okay, look at the colors, look at the, this is one, so this one, see, these are really really unique. Ayurvedic medicine ka bahut herbs se milta hoga, bahut yahan se bahut supply hota hai. Aise bahut sare medicines hai jo sirf yahi pe milta hai aur kahin nahi milta hai. Actually, Bugyal क्या होता है, एक बार बोल दो. Bugyal is like a grassland. You won't get to see such grasslands in such altitude. So you will get to see more Bugyals over there. And this place is unique in Uttarakhand for Bugyals. You can also play cricket over here at this altitude.
Lovely. So these all things are memento that you can carry all the way to your home from Chandrashila. But take it as a memento only, like a little piece, not a chunk one, or don't destroy anything over here. पूरा पत्थर ही पत्थर है यहाँ पे. पता नहीं कि जब स्नो गिरता होगा तब थोड़ा आसानी होता होगा ऊपर चढ़ने में, और नीचे उतरने का टाइम तो पूरा स्लाइड मार दो सीधा नीचे आ जाओगे. कैन यू सी सप्तर्षि ऑन द टॉप? ही इज कमिंग स्लोली एंड गाइडिंग ऑल ऑफ अस फ्रॉम द बैक साइड. ये स्लोप्स देखो सारे, उतरने के टाइम पे कितना डिफिकल्टी हो रहा है. ठीक जगह पे पैर रखो, ग्रिप मिल जाएगा. Which one? This one. See, it's somewhere close to a tricolor. Yeah, that's interesting. Hey, आने के टाइम पे यही रास्ते पे आए थे क्या हम लोग? क्या पता ही नहीं चला इतना खराब था रास्ता? यार, don't take any shortcut, यार. Grip मिल रहा है ना अच्छा खासा. बहुत बहुत बढ़िया. पर यहाँ पे भी हम लोग slide मार सकते हैं. मार. बड़ा सा समय? Maximum 15 minutes लगे. तीन तो slide. Let's go. See this hyper smooth. That's why I liked and love this GoPro so much for this amazing hyper smooth quality. And honestly speaking, ये सब जगह के लिए बड़ा सेटअप लाना थोड़ा मुश्किल है. ये GoPro is the best option. So actually we are going down slowly and steadily. हाथ में बहुत टाइम है. इट्स ओनली 8:40 इन द मॉर्निंग. जितना टाइम निकल रहा है सूरज का प्रकोप भी बढ़ रहा है, तो पूरा जैकेट खोलना पड़ा, गर्मी लग रहा है. सो हम लोग अभी तुंगनाथ मंदिर के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं. यहाँ से तो दिख रहा है तुंगनाथ मंदिर. इट्स ऑलमोस्ट 9 इन द मॉर्निंग और जाके पूजा भी देना है. चलो संजय, डोंट बी लेट. और उसके बाद एकदम नीचे चोपटा वैली तक हम लोगों को ट्रेक करके नीचे भी जाना है. सो इट विल टेक मोर और लेस अनदर 2.5 आवर्स एक्सपेक्टेड. डाउन हिल है बट स्टीप बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई इट विल टेक मोर टाइम. टू आवर्स मैक्स. वो भी नहीं लेगा शायद. आई बिलीव 1.5 आवर्स. कल एक्चुअली हम लोग जब उठ रहे थे पूरा चारों तरफ आधे रहता, तो ठीक ठाक व्यू नहीं मिला. शायद आज बहुत अच्छा अच्छा व्यू मिलेगा, एंड दैट आई विल डेफिनेटली शेयर ऑन माई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज. स्टे ट्यून्ड. यू विल नॉट बिलीव दैट अंधेरे के टाइम पर हम लोग यही रास्ते से आए. ये देख के मतलब आई वॉज शॉक्ड, लिटरली शॉक्ड. तो इधर से स्टार्ट करके वहाँ से जाना पड़ेगा. वो देखो बाकी के लोग वहां तक पहुंच गए ऑलरेडी. माइंड योर स्टेप्स. माय गुडनेस. पांडा तुले छिस तमिया तुलसी ने चला ब्रावो. सच बताओ ये जगह को देख के मेरे को बहुत ही डर लग रहा है. अभी पूरा पानी बिगड़ गया है और उसके साथ स्लिपर भी होने को लगा है. If you want some good Instagram pictures, then this place is for you. वहाँ बैठ के पूरा दिन जितना मन मर्जी फोटो उठा लो. ये स्ट्रक्चर को देखो कितना यूनिक है. Finally we got a signboard which is saying this is the way towards Chandrashila Marg. नहीं तो केदारनाथ में जितना भी signboard मिल रहा था सब तो गलत information लिखा था उसमें. बागादून. ओह, that's a nice echo. तो आप लोग को इको सुनाई दिया यहाँ से वहां तक. हम लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं एक दूसरे का निकनेम को लेकर. सुनाई दिया. हर हर महादेव. इफ एनी बोटानी पीपल वॉचिंग दिस फुटेज प्लीज डू लेट अस नो दैट व्हाट आर द स्पेसिस ऑफ दिस प्लांट. वी आर रियली कीन टू नो एंड गैदर सम नॉलेज. चंद्रशिला से नीचे उतर के हम लोग थोड़ा बहुत रेस्ट लिया, थोड़ा बहुत खाना खाया. अभी हम लोग जा रहे हैं तुंगनाथ मंदिर में पूजा देने के लिए, और बाकी के लोग अभी पूजा का सामान खरीद रहे हैं. और यहाँ का वेदर बहुत एब्रप्टली चेंज हो रहा है. कब पहाड़ों में टेम्परेचर और वेदर चेंज होता है कुछ पता नहीं चलता है. वी आर ऑन द वे टू तुंगनाथ टेम्पल, वर्ल्ड्स हाईएस्ट टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा. द एग्जैक्ट ऑल्टीट्यूड इज 3600 मीटर from sea level. So two days before we saw a Facebook video where it has been shown this place is completely covered by snow. अभी तो बर्फ कुछ नहीं है, काफी ठीक लग रहा है. हर हर महादेव. हर हर महादेव. अभी बाकी के लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ.
भगवान का दर्शन करने के लिए. अंदर कैमरा इज नॉट अलाउड, सो आई एम फॉलोइंग द रूल्स. बाहर आके आप लोगों से मिलता हूँ, पंडित जी से बात करवाता हूँ. अभी पंडित जी से मैं सुनने वाला हूँ इसका पूरा इतिहास के बारे में. यहाँ पर हरिद्वार से ऊपर जो है ये केदारखंड कहलाता है. प्राचीन से सात द्वीप पूरे भूमंडल की पृथ्वी के सात द्वीप माने गए हैं, तो ये भारतवर्ष जो है जम्बू द्वीप कहा जाता है. यहाँ पे तुंगनाथ जी तीसरे केदार हैं, सबसे ऊंचाई पे बसे हुए हैं. ऊपर चंद्रशिला चोटी है. अगर मौसम जब साफ होता है तो मई जून में और सितंबर अक्टूबर में पूरे देश विदेश से लोग आते हैं, और विशेषकर बंगाली लोग जो है मई जून और सितंबर अक्टूबर में ज्यादा आते हैं. यहाँ पर बताते हैं कि पांडवों ने जो है मोक्ष के लिए हिमालय में पदार्पण किया था, हजारों वर्ष तपस्या की. भगवान केदार में महेश रूप में उनको दर्शन मिले थे, तो उसी समय में जो है पंच केदार की उत्पत्ति हुई. भगवान को प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने पांचों जगहों पर पांच शिवलिंगों को स्थापित किया था. यहाँ पर जो है गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये चार धाम माने गए हैं. गंगा जी का उद्गम स्थान गंगोत्री है, यमुना जी का उद्गम स्थान यमुनोत्री है. लोग अपने मई से लेकर के और नवंबर तक आते रहते हैं, उसके बाद यहाँ कपाट बंद हो जाते हैं. भगवान अपने नियत स्थान प्राचीन से नीचे मक्कूमठ गांव में विराजमान हो जाते हैं. थैंक यू. तो आप लोगों ने पंडित जी से मुंह से सुना ये जगह का हिस्ट्री के बारे में, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इफ यू आर प्लानिंग टू कम एट तुंगनाथ, आई विल से और रिकमेंड प्लीज कम ड्यूरिंग मई टू जुलाई. उस दौरान मौसम बहुत ही खूबसूरत रहता है और जो जितना भी पीक्स है वो विजिबल रहता है. कम बिटवीन मई टू जुलाई. एज ऑफ नाउ बाय बाय तुंगनाथ, मिलते हैं इन नियर फ्यूचर. सो साइनिंग ऑफ फ्रॉम तुंगनाथ टेम्पल. एक्चुअली बोथ सॉ द ड्रीम ऑफ कमिंग टू दिस तुंगनाथ टेम्पल इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड राइट, एंड फाइनली वी डिड इट आफ्टर एग्जैक्ट 236 डेज. सो दैट्स अ बिग अचीवमेंट एंड अ बिग थैंक्स टू द एंटायर टीम, स्पेशली टू दिस पर्सन फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस एंटायर टूर. एंड फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रिप प्लानिंग यू कैन कॉन्टैक्ट दिस गाय. आई विल गिव हिज नंबर पर्सनली. आई विल बी गोइंग टू जोशीमठ फर्स्ट एंड देन इफ टाइम परमिट्स देन वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स औली. ओके, लेट्स सी. सो मिलिए अरविंद जी से. वी गॉट अमेजिंग वार्म हॉस्पिटलिटी एट हिज प्लेस. खाना बहुत ही बढ़िया बनाते हैं और इनका होटल तुंगनाथ मंदिर के बहुत ही नज़दीक है. आप कुछ बोलना चाहोगे? मैं तो यहाँ पे करीब 8 साल से हूँ. हाँ, 2012-13 से लगभग. तो मैं यहाँ पे देख चुका हूँ बहुत परिवर्तन है मौसम में भी और टूरिस्ट में भी. चाहता हूँ कि अधिक से अधिक जितना हो सके आज टूरिस्ट बढ़ जाए. अच्छा, तो आपके यहाँ पे और क्या क्या फैसिलिटी है वो भी बोल दो. सर, रूम जो टेम्पल है उसके आस पास करीब 100-150 लोग का रहने का है एक दिन का. यहाँ पे मेरे पास है 3 रूम, उसमें करीब 10-12 लोग रुक सकते हैं. पहचान के रखो, अगर नंबर मैं दे दूंगा बाकी लोगों को. मिलकर बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. सो इट्स टाइम टू हैव सम अमाउंट ऑफ रोडोडेंड्रॉन जूस व्हिच विल गिव अस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो फर्स्ट टाइम आई विल बी हैविंग दिस. यू हैव प्रीवियस आइडिया लाइक व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दिस जूस? एनर्जी देता है बहुत और रिफ्रेशिंग है, बहुत रिफ्रेशिंग है और बहुत मेडिकल ये भी है इसका. लाइक कैसा है? सही है, मीठा मीठा है. इसका टेस्ट तो रू अब्जर से लग रहा है, बट बोल रहा है तो एनर्जी तो मिलेगा. इट्स गुड. सो नीचे उतरने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ क्योंकि पहुँचने में थोड़ा लेट हो जा रहा है. सैडली स्पीकिंग, हियर वी कंक्लूड आवर तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रेक एग्जैक्टली द सेम प्लेस वेयर वी स्टार्टेड यस्टरडे. रियली इफ यू आस्क मी इट वॉज अ सुपर एक्सपीरियंस. बींग ए बिगिनर फ्रॉम अ ट्रेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई विल डेफिनेटली रैंक तुंगनाथ ट्रेक easy to moderate compared to Kedarnath trek. It was like next level sort of hardship. मुझे लग नहीं रहा है जो पहुंच पाएगी टाइम पे, तो
प्लान है कि बीच में अगर कहीं पे रुक जाए, अगर अच्छा खासा होटल मिल जाए नियर टू पीपल कोटी, तो वहां पे जाके हम लोग रात गुजारेंगे। मिलते हैं होटल में। Unfortunately, as expected, we couldn't reach to Joshimon on time as we started late. But good news is, we got GMV and hotel at Pipal Koti in Chamoli district, and we got a very nice dormitory room for 10 people. So without wasting time, let's show you the entire room. As you can see, there are 8 beds, but we are 10 people, so we'll adjust it here. So there's no issue. The room is enough spaces for all of us. The most important thing, there are multiple charging ports, which is very much essential when so many people are staying in a single room. Let's show you the bathroom place. Like this, we got 2 latrines and 2 shower place. And most important thing, we got this place near about 2000 rupees. So that's also a good deal when it's off season. So with that said, आज के लिए व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस उत्तराखंड ट्रैवल व्लॉग सीरीज। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल द बॉन्ग वेफेयरर टू गेट नोटिफाइड अबाउट सच मोर इंटरेस्टिंग फूड एंड ट्रैवल व्लॉग्स। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून।